आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, जानिए पांच कारण। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने या दूध पीने के प्रचलन हैं। आखिर इस दिन खीर क्यों खाते हैं, क्या है इसका वैज्ञानिक कारण और रहस्य, जानिए पांच कारण। पहला, अमृत की किरणें। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृतमय किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतर के अंगों को भी लाभ मिले, इसके लिए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में उसे खाया जाता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं। दूसरा, अमृत समान बन जाता है दूध। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। दूध भी चंद्र से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर उसे चंद्र प्रकाश में रखा जाता है। तीसरा, शीत ऋतु का आगमन। शरद पूर्णिमा से मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस तिथि के बाद से वातावरण में ठंडक बढ़ने लगती है। शीत ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से ठंड में शांति मिलती है। चौथा, पौष्टिक पदार्थ का सेवन। खीर में दूध, चावल, सूखे मेवे आदि पौष्टिक चीजें डाली जाती हैं, जो कि शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। इन चीजों की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक इन चीजों की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यही खीर जब पूर्णिमा को बनाकर खाई जाए तो उसका गुण दोगुना हो जाता है। पांच, खीर की प्रसाद का वितरण। यह भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से जहां चंद्र दोष दूर हो जाता है, वहीं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर प्रसादी का वितरण किया जाता है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी बिहारी जी महाराज महारास रूप में दर्शन देते हैं। सफेद रंग की पोशाक और कटी काचिनी मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर जगमोहन दर्शन देते हैं। खीर और बुरे की चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। वंशी और छड़ी धारण करते हैं। शाम के समय चंद्रमा की रोशनी बिहारी जी महाराज के श्री चरणों से मस्तक तक आती है। जब मस्तक पर आ जाती है तब बिहारी जी महाराज का भोग लगाया जाता है। मोर मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इस सब से YouTube अपनी वीडियो आगे फॉरवर्ड करता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट सो फार एंड प्लीज कीप डूइंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।